भाग के आई हूँ और ये सब हो गया है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैंने भी अपने बैग्स पैक कर लिए क्योंकि हम निकल रहे हैं फुकेट के लिए। आई एम सो एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दैट। बैंकॉक में इतना ज्यादा मजा आया। वैसे आई एम कमिंग बैक टू बैंकॉक। लास्ट के दो दिन मैंने सिर्फ शॉपिंग के लिए रखे हैं, बट अभी के लिए हम जा रहे हैं फुकेट, तो साथ में चलते हैं। आज मैं एकदम टाइम पर उठ गई हूँ, तो पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। हॉट चॉकलेट पी सकते हैं यहाँ पे, कितनी कूल सी मशीन है। कुछ भी नहीं है अभी तक, मुझे दिखा दो मैं खा सकती हूँ यार। मशीन होती है चाइनीज डोनट क्या होता है। हेलो डंपलिंग, डंपलिंग। आई एम गोना हैव अ डैनिश। मेरे को प्लेट चाहिए थे ना, मुझे लगता है मैं डेजर्ट ही खाऊंगी। मुझे खाने में तो कुछ भी नहीं पसंद आया यार, लिटरली कुछ भी नहीं यहाँ पे ढंग का खाने के लिए। मैं डेजर्ट सेक्शन से ही चीज़ें उठा के लाई हूँ, मुझे यही खाना पड़ेगा यार। शायद ऑप्शन हो गया। फ्लाइट थी मेरी 11 o'clock की और ये कह रहे हैं कि कैंसिल हो गई। मैंने जिस वेबसाइट से बुक करा था वहाँ पे उन लोगों को मेल कराया इन लोगों ने, बट उन लोगों ने मुझे मेल नहीं करा, तो काफ़ी ऐसे गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे। एंड अब ये बोल रहे हैं कि आपकी नेक्स्ट फ्लाइट 1:40 की है, तो अभी पता नहीं इतने देर हम एयरपोर्ट पर क्या करेंगे, जबकि कुछ भी नहीं है इस एयरपोर्ट में। बहुत ही छोटू सा एयरपोर्ट है। इतना सब कुछ आज ही होना था क्या? इतना दिमाग ख़राब। मैं इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठ के भाग के आई हूँ और ये सब हो गया है। मेरी फालतू में मैं उठी हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। एयरलाइन से बुक किया था नॉक एयर करके, बट वर्स्ट एयरलाइन यार, कभी भी कैंसिल कर देते हैं लोग। इतने प्यारे, इनसे कुछ बोला नहीं जाता है मुझसे। मैं तो प्यार से सुन के आ गई। मेरे को लगा था मैं बोलूँगी कि भाई तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेल करने की। परेशानी, एक तो इतना ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर है, ऊपर से मेरी इंग्लिश और ख़राब हो गई है इनसे बात कर करके। चेक इन बैगेज ये लोग अलाउ नहीं करते, और चेक इन बैगेज अगर तुम्हारा है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। रंग गिविंग 2000 बाद भाई साहब। बता दूँ, मैं इससे पहले भी ऑनलाइन दे चुकी हूँ अराउंड आई गेस 2000 पहले इन इंडियन करेंसी, एंड अभी 2000 बाद इन थाई बाद। क्यों ही फ्लाइट बुक करी, यहाँ से वहाँ कराए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं मुझे ही। यार कितना बकवास एक्सपीरियंस है ये। कभी फ्लाइट में, फेरी से, मैं बस से, ट्रेन से क्यों नहीं चली गई? मैं वो फ्लाइट क्यों करनी थी? टाइम मत बचाओ यहाँ पे, तुम टाइम लगाओ पर ढंग से जाओ भाई। एंड आई एम स्टेइंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी इन हियर। लाइक चलो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। एंड दिस लाइक होटल के एकदम सामने, अंदर जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रूम खराब करने से पहले एक छोटा सा रूम टूर ही दे दिया जाए। आओ सबसे पहले आते ही हैव अ वॉश बेसिन हियर। काफी सही सा मिरर भी दे रखा है साथ में यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारे पास टॉवल्स है, बाथरूम्स है, एंड वॉशरूम है ये यहाँ पे। सो दिस इज अ शावर एरिया। हमारे पास यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा बहता जग रहा है। एंड दिस इज द बालकनी। एंड हमारे यहाँ से समुन्दर भी दिख रहा है। बालकनी, इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है यार। वाओ, दिस इज द व्यू। मैंने अपनी बिकनी डाल ली है, चलो चलते हैं स्विमिंग करने क्योंकि वो ही मेन है इधर। बल्ली बल्ली दिशा शावर। समझ नहीं आ रहा, होटल में पूल है, पूल में होटल है। स्विमिंग कर रहे हैं वो भी एक स्विमिंग पूल में, थोड़ा बहुत तो सीख गई हूँ मैं। मैं अब इस होटल के टॉप फ्लोर पे आ चुकी हूँ, एंड लेट मी शो यू द व्यू। दिस इज द व्यू फ्रॉम द टॉप। इवन दैट साइड पूल का भी इतना सही है, लाइक इन्फिनिटी पूल वाला जैसे वाइब दे रखा है। माय गॉड, ये मस्त पहाड़ और सामने समुंदर है जो अभी दिख नहीं रहा।
को रैंडमली ऐसे निकल के आई थी होटल से बाहर, एंड एकदम निकलते ही बीच एंड इसकी शांति इतना अच्छा लग रहा है, सो पीसफुल। मैं भी सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ी देर बैठूं। मॉर्निंग गाइस, तो मैं फटाफट उठ के ना एकदम रेडी हो गई हूँ क्योंकि हम आज जा रहे हैं फीफी आइलैंड टूर के लिए, एंड मैं अभी तक नींद में हूँ क्योंकि अभी 7:30 बज रहे हैं। सो लेट्स सी, जैसे तैसे करके मैं हो तो गई हूँ रेडी, और मतलब मेरी आँखें खुल नहीं रही है नींद में, बट द व्यू मॉर्निंग लुक्स लाइक दिस। व्हाट इज दिस व्यू? Have reached the location. हमारे होटल के ना आजू बाजू कोई ऑप्शंस नहीं थे बुक करने के, तो एक टैक्सी वाला ही था वहाँ पे अवेलेबल जिसने हमें टूर दिया था 2000 baht पर 1 person। जस्ट होप अच्छा जाए टूर क्योंकि हमने एकदम रैंडमली किसी से भी बुक करवाया है। आपको ना यहाँ जब आओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बुक करने के लिए। वैसे मैक्स रेट ना 1400 baht तक ही जाता है, पर इन्हें हमसे ज़्यादा चार्ज किया क्योंकि आई नो वहाँ पे कोई और ऑप्शंस नहीं थे, बट लेट्स सी आई एम गोना शेयर कि कैसा जाता है पूरा का पूरा टूर, वर्थ इट है कि भी नहीं। आते ही हमें यहाँ पे कुछ कुछ टी कॉफ़ी के ऑप्शंस है, लाइक जूस रखे हैं एंड टी एंड कॉफीज़ है, एंड आई गेस रामन वगैरह भी हम ले सकते हैं यहाँ से। नाइस, काफ़ी कूट जैसे सेटअप है, वैसे तो जूस लेते हैं यार, आई रियली वांट। ओके, इन्हें एक नंबर के लिए बैंड दे दिया है। हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, शी इज मेकिंग सैंडविचेस। इसमें से कॉफी भी लेते हैं। मैं सोच रही हूँ ब्रेड और जैम खाती हूँ। ये वाले शूज लेने ही पड़ेंगे, इतना कन्विंस कर दिया इन्हें मुझे। ऐसे पिक्चर्स दिखाती हूँ, ये सब हो सकता है तो इसलिए मैंने ले लिए ये वाले। दिस इज हाउ द बोट लुक्स लाइक, इसमें सब बैठ के जा सकते हैं। मैंने जान बुझ के ना लास्ट सीट ली क्योंकि यहाँ से आई गेस अच्छा व्यू होगा, पर ऐसे शेड भी लगा हुआ है तो धूप भी नहीं लगी क्योंकि आगे जो ओपन एरिया है वहाँ पे बहुत धूप है। आई तो कांट सिट देयर, ऐसे व्यू भी मिलेगा और मैं धूप से बचूंगी क्योंकि पूरी बोट ऐसे कवर हो रखी है, एंड दिस इज द स्पॉट जहाँ से आराम से मस्त व्यू मिल सकता है। चारों तरफ से देखो कवर है, कहीं पे भी बैठती तो कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए पीछे बैठना इज लाइक द बेस्ट ऑप्शन। वो तो पहन ले अपने शक्तिमान वाले चश्मे। Yeah, good. I'm happy, yeah. Wow. हाँ, मुहम्मद गोल। हाँ, very good. बाबी डाली से यार। Okay, so we are in फीफी आइलैंड, एंड ये इतना ज़्यादा सुंदर है, बट यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो कितने ज़्यादा लोग हैं। फूड हेयर इज लाइक वेरी ओकेश, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन हैं इनके पास, पर यही है, खा लेती हूँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है बिकॉज यही ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे बस। अभी है मॉन्की आइलैंड में, अभी इतना ज़्यादा सुंदर है, लाइक
पानी का कलर देख रही हूँ, लाइक इतना ज्यादा साफ है, आई कैन सी लिटरली आर पार देख सकती हूँ मैं, इतना ज्यादा साफ है। बट मेरी बंदरों से फटकी है तो मुझे लगता है कि मैं बंदरों से आ जा रही हूँ। आई एम टू जस्ट गोना टेक पिक्चर्स। सारे हैं, ये लोकेशन है बहुत सुंदर बट इतनी ज्यादा क्राउडेड है, लाइक मुझे एक जगह एक स्पेस मिली है कि मैं यहाँ पे खड़े होके फोटो करूँ, लाइक इतनी ज्यादा सो क्राउडेड, लाइक इतनी भीड़ है यहाँ पे, देख रहे हो। बेसिकली इस आइलैंड में ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोग एक्टिविटीज के लिए आते हैं। आपको ऐसी कुछ चेयर्स पे बैठना है, लाइक चेयर्स लेके भी बैठ सकते हो, तो आई एम जस्ट गोना टेक दिस एक्टिविटीज वगैरह, जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि धूप इतनी ज्यादा बुरी वाली है। साहब इतनी ज्यादा धूप है, ऐसी धूप पे कौन सी एक्टिविटी होगी। और ओवरऑल दिस टूर वॉज लाइक ओके, इसमें ऐसे इंडिविजुअल आके भी कोई कोई आइलैंड विजिट कर सकते हो, लाइक आप फीफी अलग से आके विजिट कर सकते हो, मतलब फीफी है मेन आइलैंड जहाँ पे रहना मैंने कहा है, बाकी सारे तो ओके से लाइक दो दो मिनट के लिए रोकते हैं लोग, एंड फिर लास्ट में यहाँ रोकते हैं जहाँ पे भी मतलब पैसा बन रहा है उस वाले आइलैंड पे रोकते थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, बाकी तो इट्स ऑल ओके ही है, मतलब मुझे तो इतना कुछ नहीं लगा। बस अब थोड़े से यहाँ से पिक्चर्स ले लेते, थोड़ी देर यहाँ पे मैं बैठ के रिलैक्स करूँगी, एंड देन बस मैंने चेंज कर दिया है, एंड आई एम हैविंग अ ठंडा ठंडा नारियल पानी परफेक्टली, मैं चिल करूँगा। यहाँ पे लोग हमारी फोटोज देख रहे हैं, इन लोगों ने मेरी सही फोटो ली है, मेरे को खुद नहीं पता, एंड लोगों ने किसी दूसरे फोटो से लेना पड़ रहा है, बहुत अच्छी लग रहा है, अभी कहाँ नहीं इतनी मस्त ली दूसरी बोट से, तो मैं ये वाली ले रही हूँ। फटाफट से वापस आके रेडी होके निकल गई हूँ और मैं अब जा रही हूँ पटोंग बीच, जो फेमस रोड है ना वो पार्टी लाइक बहुत ही वायरल है वो, तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना है कि वो कैसी है, वो एक्चुअली भी वैसी दिखती है जैसे पिक्चर्स में है कि नहीं, तो लेट्स सी कैसा निकलता है। मैं इतनी जल्दी में निकली हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया था, और जहाँ जिस एरिया और जहाँ पे मेरा होटल है उस एरिया में ना बिल्कुल शांत है, लाइक आजू बाजू कुछ ही नहीं है दूर दूर तक, तो बड़ी मुश्किल से तो एक कैब मिली है मुझे, तो इसलिए मुझे इसी डर से मैं इतनी फटाफट से रेडी होकर सीधा निकल गई हूँ। देखते हैं कि वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है। Hi guys, so this is the third day in Phuket. और आज ना हम दूसरे प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, वो ना बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस प्रॉपर्टी है, मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बट ये वाली प्रॉपर्टी को भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लाइक कितनी ज्यादा सुंदर है, लाइक दिस इज द व्यू मैं जिसको देख के उठती थी, लाइक बोरा बीच। मैं उठ के बैग वगैरह ही पैक कर रही थी क्योंकि चेकआउट का टाइम हो गया है, तो फटाफट से पैक करके चेकआउट करती है, और आपको मिलती हूँ मैं दूसरी प्रॉपर्टी में। Welcome drink and towel. Oh my god guys, this property is humongous, like itni badi property hai ye. Is this like ye to kuch hai bhi nahi, it's just the entrance, it's only the entrance. I'm so excited to go to the kitni aesthetic property hai. This place is so beautiful. Wow. Main to pura ghoom bhi nahi paungi. So have a private beach. This is the private beach. This beach all to ourselves. कोई भी नहीं होगा यहाँ पे. Only guests are allowed. Oh my god! I'm just so happy. Guys, this is the wow! Best part यहाँ पे कोई नहीं. So ये shower area है. ये सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर का एरिया है, रूम आ गया है, रूम देखते हैं, घुसते ही ये क्या है, वी हैव अ कबर्ड यार, के अंदर बाथरूम्स हैं, कितना बड़ा रूम है, ओह माय गॉड, यहाँ पे एक मस्त सा मिरर, देन दिस इज द वॉशरूम, ओ माय गॉड, वी हैव अ बाथटब, वो भी इतना बड़ा,
मजा आ जाएगा विद दिस व्यू. ओ माय गॉड. देन वी हैव अ शावर रूम, कितना मस्त है. एंड देन वाओ, इन्हें हमारे लिए कितना मस्त ऐसे बेड सजाया हुआ है. सो स्वीट. उसके बाद ये एक और मिरर, वैनिटी, मेकअप वगैरह करने के लिए. एंड देन वी हैव अ बैग. ओ विद अ सी फेसिंग व्यू. खुलेगा कैसे? खुल जा. या खुला. दिस इज द बालकनी. वी हैव अ बाथटब इन अ बालकनी. दिस इज द व्यू. सामने है समुंदर. जस्ट टेकिंग अ मोमेंट कि मैं अभी कहाँ हूँ. लाइक इज दिस फॉर रियल? लाइक मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा सुंदर है ये सब. एंड जस्ट फीलिंग सो ग्रेटफुल दैट आई एम हियर. इट्स सो ब्यूटिफुल. इट्स लाइक सो सो ब्यूटिफुल. ये फिर अब हमारी बालकनी. क्या मजाक है, ये बालकनी है यार. मुझे ऐसी बालकनी हमेशा हमेशा के लिए चाहिए. हमने कितना मस्त सा फूल दिया यार. आई एम गोना टेक दिस. एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेक्शन है. ओके ये किसी काम का नहीं है, पर अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है वैसे. हमारे पास यहाँ पे एक फ्रिज है. फुल भरी हुई है ये भी. मैंने भी रूम में ये मंगवाया है. दिस इज समथिंग समथिंग, पता नहीं, पैड थाई नूडल्स है आई गेस. इसमें चिकन है बट बहुत वियर्ड लग रहा है. खा के देखते हैं कैसा होगा. पहले चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं इसमें. शायद ये चिली फ्लेक्स हैं. हाँ चिली फ्लेक्स ही है. सॉरी, पीनट समथिंग का बनाते हैं. बड़ा मस्त लगता है गार्लिक के साथ. मुझे ये भर भर के डालूंगी इसलिए मैं तो ये. तो एक लेमन भी है. पहले तो चिकन का पीस है. सो मैं हो गई हूँ पूरी रेडी और अब हम जाएंगे पूल में, वो भी केबल कार यूज करके, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि नीचे कैसे जाना है. हम इतनी ऊंचाई पे है और इस प्रॉपर्टी की खुद की केबल कार है. यहाँ पे बेल बजा के हमें बुलानी है. सी दिस इज हेवन. वॉट इज दिस प्लेस? हर एक कॉर्नर इतना ज्यादा सुंदर कैसे है. पूल है, खत्म ही नहीं हो पा रहा. पूल एरिया खत्म ही नहीं है. चारों तरफ इस होटल के पूल है. सो पूल से वापस आने के बाद मैं दोबारा रेडी हो चुकी हूँ. एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. सारे बीच बैग ले लिया है, क्लॉक क्लिप लगा लिया. इतनी गर्मी है यहाँ पे तो मुझे बेस्ट लगता है कि सारे बाल को स्लीप बंद करके ऐसे रखूँ मैं. एंड अभी हम नीचे चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी प्रॉपर्टी क्या क्या है. एंड शायद अब हमें केबल कार मिल जाए, क्योंकि इतनी स्लो है मैं इतना वेट नहीं करती. हमारा ना जस्ट फर्स्ट वाला ही फ्लोर है तो मैं सीढ़ियों से आना प्रेफर कर लेती हूँ. फटाफट आ गए. अभी देखते हैं कि केबल कार मिलती है कि नहीं. अगर वेटिंग हुई तो मैं चली जाऊँगी. रात को भी इतना सुंदर लग रहा है. अरमिन भाई निकली होटल एक्सप्लोर करने की, पर आ गई हूँ. सिर्फ मैं एक चीज के लिए आई थी, यहाँ की बोबा और दीज रोटीज, लाइक बनाना एंड नटेला रोटीज आर माय फेवरेट. की मैं दोबारा खा रही हूँ आज. आई एम ऑल रेडी और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने. एंड एक तो इतनी चढ़ाई वाला होटल है ये. सुंदर बहुत है वह, चढ़ाई वाला है. पर चलो अभी लेते हैं केबल कार और नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने. ये सारे ऑप्शंस है यहाँ पे. अच्छा माय गॉड, ड्रैगन फ्रूट लूंगी मैं. Thank you.
कर रहा थी। ओ भाई साहब।